दोस्तों, एचएससी भर्तियों को लेकर जो है अभी भी एक बड़ी खबर आई है। चेयरमैन साहब का भी दोस्तों बड़ा बयान है। वीडियो को अंत तक आप दोस्तों ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। जॉब या जॉब से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों आप जरूर जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों, एचएससी भर्तियों को लेकर चेयरमैन साहब का बड़ा बयान है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर करें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है दोस्तों अगले हफ्ते जो है 402 कैटेगरियों के लिए जो है 32,000 पदों पर जो है आवेदन के लिए जो पोर्टल है वो जारी किया जाएगा। इसमें सीईटी पास जो कैंडिडेट हैं वो इस पोर्टल पर का जो चलने का इंतज़ार लगातार कर रहे हैं और जो सीईटी पास कैंडिडेट हैं वो इन भर्तियों के लिए जो है दोस्तों अपना आवेदन कर सकते हैं। आपका जो है दोस्तों लगातार यही इंतज़ार है कि भाई कब तक ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू होंगे, क्योंकि चेयरमैन साहब के द्वारा बताया गया था कि एकमात्र ऐसा पोर्टल है जिसमें 100 से भी ज़्यादा भर्तियों के आवेदन एक साथ जो है वो किए जाएंगे। इसी कारण दोस्तों इसमें समय लग रहा था आपके। आयोग ने जो है पोर्टल की अधिकतम तौर पर जो है परख कर लिया है और इसमें जो है एचएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के द्वारा बताया गया है कि इसमें ग्रुप सी की पदों पर जो सीईटी स्कोर के अनुसार उम्मीदवार अपने आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब मंत्रिमंडल के सीईटी और भर्ती के लिए जो है आधार लिंक करने का जो फैसला हरियाणा सरकार के द्वारा लिया गया है, इसीलिए 2-4 दिन का समय इसमें और लग सकता है और जल्द ही इस पोर्टल को जो है खोल दिया जाएगा। आधार कार्ड वाला दोस्तों मैंने इसमें डिटेल में आपको बता रखा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस बारे में स्पष्ट भी कर दिया कि उसके बाद जो है आवेदन करने के लिए जो इस पोर्टल को दोस्तों खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोर्टल की जांच कर ली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एकमात्र ऐसा पोर्टल है जिसमें एक साथ इतने उम्मीदवार जो है आवेदन कर सकते हैं और 100 से भी ज़्यादा भर्तियों के लिए जो है दोस्तों इसमें एक साथ आवेदन जो है आपके कर सकते हैं। एचएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह कतरी ने इसकी पूरी जानकारी इस प्रकार से दी है। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर भी जरूर करें। जो पहला जो स्टेप है जो दोस्तों इसमें बताया गया, जैसे ही उम्मीदवार अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें भरेंगे पोर्टल पर उम्मीदवार का पूरा डाटा खुल जाएगा। चूँकि सीईटी के लिए जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया गया था जिसमें 10.2 न्यूनतम योग्यता आपकी जो 12वीं पास है, इसलिए उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र या इसके संबंधित जानकारी जो पत्र हैं उसको भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता को या अन्य जानकारी भरेंगे तो उम्मीदवारों के सामने सभी पदों की सूची जो है डिस्प्ले कर दी जाएगी। इसके लिए जो है उम्मीदवार पात्र रखता है उसी उम्मीदवार के लिए जो है आप जिस भर्ती के लिए पात्र हैं आप उस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन जो है इसमें करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसी सभी पर जो है टिक मार्क करेंगे। टिक मार्क करने वाले पोर्टल पर जो है उम्मीदवारों को यह है बताएगा कि वह किस पात्र है या फिर नहीं है। जैसे आपने हरियाणा पुलिस के लिए भर दिया, आपने टिक मार्क कर दिया, जो आपको पोर्टल मिलेगा उसमें टिक मार्क का ऑप्शन जो मिलेगा, अगर आप उसके लिए पात्र हैं तो आपका जो हो जाएगा, नहीं तो आपका वहाँ पर वो टिक मार्क नहीं होगा। अगर आप पात्र नहीं होंगे तो इसमें स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा कि आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। अगर आप पात्र होंगे तो टिक मार्क के बाद कुछ बात जो है उसमें कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। इस तरह 402 कैटेगरियों के लिए जो है दोस्तों पात्र वाले उम्मीदवार जो हैं इसमें अपना आवेदन करवा सकते हैं। तीसरा जो स्टेप है दोस्तों इसमें रहेगा आपके आरक्षण कैटेगरी के जो अनुसार उम्मीदवारों को जो मुख्य परीक्षा के लिए छांटने का जो काम कंप्यूटर करेगा। अगर आप पदों की संख्या 30 से कम है तो और आप 5 गुना उम्मीदवारों के मुख्य परीक्षा के लिए छांटे जाएंगे। अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच है तो कुल 150 उम्मीदवारों को ही उसमें छांटा जाएगा, यानी कि 4 गुना कैंडिडेट को ही उसमें बुलाया जाएगा।
उसी प्रकार से जो है दोस्तों आपके जो कंप्यूटर जो डाटा उठाएगा उसी प्रकार से जो है आपके सेलेक्ट उसमें किया जाएगा, उम्मीदवारों को छांटा जाएगा। अगर इसमें पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो 4 गुना में जो है छांटा जाएगा। यह छांटने का जो काम है वो कैटेगरी के अनुसार ही किया जाएगा, जो आपकी कैटेगरी रहेगी उसी के अनुसार किया जाएगा कि भाई किस कैटेगरी से कितनी पोस्ट हैं और कितने कैंडिडेट को इसमें छांटना है, वो कंप्यूटर के द्वारा ही जो है वो पूरा का पूरा डाटा आपका उठाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर जनरल कैटेगरी के पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो जनरल कैटेगरी के 160 उम्मीदवारों के जो है मुख्य परीक्षा के लिए ही बुलाया जाएगा, सभी को नहीं बुलाया जाएगा। आवेदन सभी कर सकते हैं लेकिन सभी को नहीं बुलाया जाएगा उसमें। इस बारे में चेयरमैन साहब भी दोस्तों कई बार आपको बता चुके हैं डिटेल में। अगर एससी कैटेगरी से हैं और 30 अगर आपकी पदों की संख्या है तो एससी कैटेगरी के 150 उम्मीदवारों को ही मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो आपका चौथा जो स्टेप रहेगा, मुख्य परीक्षा के ग्रुप के अनुसार परीक्षा को जो है प्राप्त अंकों के आधार पर दस्तावेज की जांच के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। इसके लिए जो है दोस्तों आयोग भी तय करेगा कि दस्तावेज की जांच के लिए आरक्षण कैटेगरी के पदों की संख्या के अनुसार कितने गुणा कैंडिडेट को उसमें बुलाया जाए। यह अभी नहीं बताया गया कि भाई कितना कैंडिडेट को जो है, अगर आप स्कैनिंग टेस्ट को पास कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने गुणा कैंडिडेट को जो है वो बुलाया जाएगा। दस्तावेज के बाद जो है दोस्तों उम्मीदवारों से जो है पदों की विभाजन की जो है फ्रीक्वेंसी मांगी जाएगी कि भाई आप कौन सा पद लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप जो ग्रुप बनाए गए हैं उसमें काफ़ी कैटेगरियाँ दी गई हैं एक ग्रुप में, तो इस हिसाब से जो है आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीदवार पोर्टल पर जो है पदों के विज्ञापन की जो कॉन्फ्रेंसन दे सकते हैं। स्कैनिंग पर जो है स्क्रीन पर जो है आपके आयोग के द्वारा पदों के जो क्रमांक लिखे होंगे इस पर जो, यानी कि आपका एक कैटेगरी के अनुसार जो डिटेल आपको आपको पता है दोस्तों किस प्रकार से जो है डिस्प्ले किया जाता है उसमें आपको बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो आपको पता ही है कि भाई किस प्रकार से आपने कौन कौन से पदों को चुनना है, कौन कौन से, यानी कि आपने 1, 2, 3 जिस प्रकार से कैटेगरी उसमें दी गई है उस हिसाब से आप उसको भर सकते हैं। उसके बाद जो आपका जो छठा जो स्टेप रहेगा उसमें जो है आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री के द्वारा बताया कि अंतिम जो स्टेप रहेगा आपका उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक को लेकर रहेगा। अगर किसी उम्मीदवारों को जो है दोस्तों मेरिट के आधार पर अनुसार जो है चयन हुआ है और उनको बताया गया कि एक उम्मीदवार को भले ही एक से ज़्यादा पदों के लिए चयन किया हो पात्र हो, मगर उसका चयन केवल एक ही के लिए जो होगा यह एक जो फ्रेग्रेंस अनुसार मेरिट के अनुसार होगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो किसी ने अगर फ्रेग्रेंस 1 नंबर पर जो है इंस्पेक्टर के पद को भरा है और दूसरे नंबर पर सहायक सचिव नगर पालिका को भरा है और मेरिट के अनुसार उसका नंबर इंस्पेक्टर की भर्ती में नहीं पड़ता है मगर सहायक सचिव के पद में पड़ता है, तो उसका चयन सहायक सचिव पद पर होगा। अगले पदों पर जो है कॉन्फ्रेंसन पर उसका जो चयन नहीं होगा, यानी कि दोबारा से उसको चयन नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आपके स्टेप रहेंगे। जैसे ही आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे तो आपको डिटेल में भी जो है दोस्तों और भी बता दिया जाएगा। और ये सीईटी के लिए जो है दोस्तों आपके 400 जो हैं 20 पद आपके रहने वाले हैं, जो कि 32,000 पदों पर आपकी ये भर्ती होने वाली है। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें और एचएससी से जुड़ी सभी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों आप जरूर जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट।